झारखंड में आजकल दो तरह के मौसम देखे जा रहे हैं। कई जगह गर्जन के साथ बारिश हो रही है तो कई जिलों में हीट वेव चल रही है, जिसको लेकर झारखंड वासी काफी परेशान है। इस बीच मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें मौसम के बारे में वो लगातार लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि आने वाले समय में झारखंड के सभी जिलों में मौसम कैसा रहने वाला है। उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है कि आने वाले समय में कई जिलों में बारिश होने की संभावना है, तो कई जिलों में हीट वेव की वजह से रेड अलर्ट जारी किया गया है। आइए सुनाते हैं कि मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने आने वाले समय में जो मौसम झारखंड का होने वाला है उसको लेकर क्या कुछ जानकारियां दी है। पिछले 24 घंटों में झारखंड में कहीं कहीं पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश गर्जन वज्रपात के साथ में रिकॉर्ड की गई है। और साथ में बात किया जाए तो पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल में कुछ जगहों पर हीट वेव भी रियलाइज हुआ है। जो सबसे अधिक जो बारिश है वो 24 मिलीमीटर राजमहल में रिकॉर्ड किया गया है, और जो कि सबसे अधिक उच्चतम तापमान है 45 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया है, और जो सबसे कम न्यूनतम तापमान है 24.9 डिग्री सेल्सियस रामगढ़ में रिकॉर्ड किया गया है। रांची का अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटे में 40.8 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल के अलावा जो मध्य रांची और आसपास के इलाके में हीट वेव तो एग्जैक्टली नहीं चल रहा था, बट हीट वेव जैसा सिचुएशन था, हॉट एंड ह्यूमिड और डिस्कम्फर्टिंग टेम्परेचर था, जिस कारण लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। अब बात करते हैं कि आने वाले 5 दिन कैसा रहेगा। तो अभी आने वाले 5 दिन में से 22, 23 और 24, इन तीनों दिन में राज्य में कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश गर्जन और वज्रपात के साथ में आपको देखने को मिलेगी। खासकर बात किया जाए तो 22 तारीख में आपको जो उत्तर पूर्वी भाग है और दक्षिणी भाग है उससे सटा हुआ मध्य भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश आपको गर्जन वज्रपात के साथ में देखने को मिलेगा। और 23, 24 और 25, 26 में झारखंड में कई हिस्सों में आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश गर्जन वज्रपात के साथ में देखने को मिलेगा, जिसका विस्तार होकर 25, 26 में थोड़ा सा बारिश का जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा विस्तारित होगा। तो 25, 26 में आपको झारखंड में कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश गर्जन वज्रपात के साथ में देखने को मिलेगी। और बात किया जाए तापमान की, तो आज और कल 22 और 23 पलामू प्रमंडल और कोल्हान में और कुछ कुछ इलाके में हीट वेव बनने की संभावना रहेगी और थोड़ा सा टेम्परेचर रहेगा। उसके बाद से 23 तारीख बाद से फिर जो टेम्परेचर है उसमें थोड़ा सा हल्का सा गिरावट, 1-2 डिग्री का गिरावट देखने को मिलेगा, जिससे हीट वेव जैसी स्थिति में थोड़ी सी राहत मिलेगी। बहुत राहत तो नहीं मिलेगी, बट हल्की सी राहत लोगों को देखने को मिल सकती है। और इसी को लेके लोगों से यही हिदायत है कि गर्मी को देखते हुए 11 से 3 का जो समय है, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो बाहर ना जाएं, और बाहर जाना हो तो छाता, टोपी ये सब पहन के जाएं और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, जो पेयजल है उसको लेते रहें बीच बीच में, और बूढ़े और बच्चे अपना खास ध्यान रखें। और गर्जन वज्रपात से है कि पेड़ और पोल के नीचे ना रहें, और जब गर्जन और वज्रपात की स्थिति बन रही काले घुंघराले बादल आसमान में, तो उस समय थोड़ा सावधानी बरतें और सुरक्षित स्थान पर शरण लें, और थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस उसको यूज करने से बचें। तो अभी आने वाले दिनों में झारखंड में आपको 2 दिनों के बाद से थोड़ी सी हल्की सी राहत मिल सकती है तापमान से, और बारिश की संभावना झारखंड में जताई जा रही कुछ कुछ इलाकों में गर्जन और वज्रपात के साथ में। उस समय जो हवा की गति है वो 30 से 40 किलोमीटर 22, 23 में 24 तक में चलेगी, 25, 26 में जो हवा की गति है गर्जन वज्रपात के समय 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी चल सकती है। धन्यवाद। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुल टॉस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।